जो आरएसएस और वीवीपी का अड्डा बना रखा है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर सत्यनारायण भुट्टू, वहाँ पर जो विश्वविद्यालय में आरएसएस का पथसंचल चलता, ये वाइस चांसलर यहाँ का आरएसएस वीवीपी का चेला लग रहा है हमको। जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाता, उसके साथ आरएसएस वीवीपी का जो अड्डा बनाए रखा, जिसको जो क्वेश्चन करते उसके ऊपर एफआईआर बनाए तो क्या बात है। इसलिए हम लोगों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन हम लोग चालू किया, जो 11 तारीख हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय को घेराव करेंगे, वहाँ पर हमारा धरना होगा कि वहाँ पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट को विद्या देना चाहिए, ये आरएसएस का चेला नहीं बनाना बोल के हमारा वादा है। This video presented by Al Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharay Group of Institute. सभी को जय भीम। आज के सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कड़गंची, जो अत्याचार दलितों के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर और कुछ पिछले वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहे, वहाँ का सत्यनारायण भट्टू और बसराज डनूर, ये दोनों मिलके उधर यूनिवर्सिटी में झूठे केसेस कौन कानून से पूछता है, जो हक पूछता है उसके ऊपर झूठ केस डाल के स्टूडेंट्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और मेरा कहना है आरएसएस हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, मैं तुमको एक ही बोलता हूँ, तुम है ना पढ़ो मोहन भागवत जी, तुम पढ़ो। क्या पढ़ो? देश में क्या हो रहे, दलितों के ऊपर कितना हो रहे, ये सब तुम पढ़ो। स्वामी विवेकानंद कहता है बौद्ध धर्म के सब पढ़ लेंगे जब हिंदू धर्म श्रेष्ठ होता है बोल के स्वामी विवेकानंद ने बोलता है। ये तुम पढ़ो, देश में शांतता रहना है, देश में एकता रहना है, देश में यूनिट रहना है, देश सभी का लोगों को लेके जाना है। आरएसएस भट्टू जैसे, नट्टू जैसे नाटक नौटंकी इधर कर्नाटक में आके सेंट्रल यूनिवर्सिटी कटगंज क्या करेंगे, ये आरएसएस लोगों को हम कभी उधर नाटक नहीं कर देंगे और ऐसे इस गांड चाली करते रहेंगे और उधर बाबा साहब की जनता कभी चुप नहीं बैठेंगे। अभी ये आंदोलन 11 तारीख और 5000 लोग से 11 तारीख वहाँ से रैली है कटगंजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक और शाम से हम रैली करेंगे। और ये सरकार को न्याय होना चाहिए, गवर्नमेंट हमको न्याय देना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है सब, पुलिस गिलिस का स्टेट गवर्नमेंट का काम करता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के नाटक है भट्टू जैसे, ये नाटक रुकना चाहिए बोल के 11 तारीख बहुत बड़ा अक्टूबर में रैली है और 6000 लोगों का रैली शांति से करेंगे, इतना हमारा कहना है। और हमारे अम्बेडकर अभिमानी हो, बाबा साहब की अभिमानी हो, सब संगठन लोग और सब कौम के मुसलमान हो या दलित हो पिछले वर्ग लोग सब जमा होके या रैली में सहभाग होके और रैली को प्रस्ताव दे के हमारा कामयाब करके, हमारा होराट को कामयाब करके बोल के हम मेरे बात समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। मेरा नाम प्रकाश मूल भारती, अध्यक्ष पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी कर्नाटक राज्य। आज के दिन हम आपके सामने लाए हैं जो गुलबर्गा कलबुर्गी विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हमारे गुलबर्गा जिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ पर हमारे जो बच्चे रहते, जो विद्यार्थी लोग रहते, उनको जो शिक्षण देना चाहिए वहाँ पर वो नहीं मिल रहा। जो आरएसएस और वीवीपी का अड्डा बना रखा है केंद्रीय विश्वविद्यालय में, इस जो अड्डा बनाया है उसको जो वहाँ का केंद्रीय विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर सत्यनारायण भुट्टू, जो कुलपति है, जो वाइस चांसलर है, जिनके ऑफिस में होम हवन चालू करते स्कूल में, वहाँ पर जो विश्वविद्यालय में आरएसएस का पथसंचल चलता, ये सब देखते हुए जो कुलसचिव है आरएसएस भुट्टू, ये लोगों को सपोर्ट कर रहे। ये कानून बाहिर जो
चटवट के जो यहाँ पर चल रहे, जिसको क्वेश्चन किया कुछ स्टूडेंट लोगों ने, जो जो क्वेश्चन किए वो लोगों के ऊपर FIR बनाया। एक वाइस चांसलर अपने स्टूडेंट के ऊपर FIR बनाया, ये मामूली बात नहीं है, ये सोचने की बात है। जो स्कूल में जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाता, उसके साथ RSS VBUP का जो अड्डा बनाए रखा, जिसको जो क्वेश्चन करते उसके ऊपर FIR बनाए, तो क्या बात है। ये वाइस चांसलर यहाँ का RSS VBUP का चेला लग रहा हमको, इसलिए हम लोगों ने जो कर्नाटक दलित संघर्ष समिति, कर्नाटक कोली कब्बले समाज, ऐसे सब संगठना लोगों हम लोग मिलके कलबुर्गी केंद्रीय विश्वविद्यालय कोमवाद जो जात नीति चल रहे है उसको हटा के केंद्रीय विश्वविद्यालय बचाओ आंदोलन हम लोग चालू किया, जो 11 तारीख ये सब आगे रखे, हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय को घेराव करेंगे, वहाँ पर हमारा धरना होगा कि वहाँ पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्टूडेंट को विद्या देना चाहिए, ये RSS का चेला नहीं बनाना बोल के हमारा वादा है। नमस्कार। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute.